हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही नॉर्मल और इंटरनेट पे काफ़ी छाया हुआ टॉपिक है, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक, उसके बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है कोविड-19। ये चाइना के वुहान सिटी से पूरे वर्ल्ड में फैला है, बट इसका इम्पैक्ट हमारे ह्यूमंस पे बहुत ही ख़तरनाक पड़ा है। लॉकडाउन का इम्पैक्ट ये हुआ है कि आज 7.5 अरब से ज़्यादा के लोग अपने घरों में छुप के बैठे हुए हैं सिर्फ एक छोटे से वायरस के कारण, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू भी हमें देखने के लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। आज US, इटली, जर्मनी, फ्रांस जैसे आर्थिक महाशक्तियाँ, चाइना जैसे वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब आज बिल्कुल ठप पड़े हैं। सभी पावरफुल देश आज घुटनों पे आ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से वायरस के कारण, जो कि शुरू हुआ था चाइना से। वैसे ये वायरस कोरोना फैमिली से रिलेटेड है। कोरोना फैमिली में सार्स, मर्स जैसे वायरस भी हैं, और ये कोरोना वायरस के जो सार्स बैक्टीरिया वायरस था, इसने मेरे ख्याल से चाइना में 2000 या 2003 के आसपास भी बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारी फैलाई थी। इसे कोरोना का नाम क्राउन शब्द से लिया गया है, क्राउन मतलब ताज, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इस तरह से लगता है कि जैसे किसी ताज से उसके ताज के जैसे कि छड़े निकली होती हैं, वैसे ही इसके वायरस के ऊपर से कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना होता है कि ये ताज की तरह देखने में ताज की तरह लगता है। और अभी तक वैज्ञानिकों को ये पता नहीं लग पाया है कि ये किस जानवर से या कहाँ से इंसानों में पहुंचा और इन्फेक्टेड किया। वैसे कुछ वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं, वैसे ये थ्योरीज ही हैं, कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज, कि ये वायरस जो है पेंगुलिन या चमगादड़ से किसी ऐसे जानवर में पहुंचा जिसे या जिसने चमगादड़ को या फिर पेंगुलिन को खाया, और वहां से इसने अपने आप को म्यूटेंट कर लिया। म्यूटेशन का मतलब ये कि अगर ये पहले जैसे कोई इंसान पहले 10 किलो वेट उठा सकता है, तो वो जिम में जाके अपने मसल बनाएगा और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जैसे 10 किलो से 50 केजी। उसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग वायरस के रूप में अपने आप को म्यूटेट करने में कामयाब रहा। वैसे तो अभी वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन बनाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, पर इसमें भी चाइनीज़ कंपनियां बहुत आगे हैं, जो कि चाइनीज़ कंपनियों ने अपने फर्स्ट फेज को क्रॉस करते हुए सेकंड फेज में एंट्री कर ली है। फर्स्ट फेज का मतलब ये था कि जो वैक्सीन बनाई गई है, ये वैक्सीन हमारे ह्यूमंस पे किस तरह का रिएक्ट करती है, अगर इसे लगाया जाए तो ह्यूमंस पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा या कोई एलर्जी या कोई नई तरह की बीमारी पैदा नहीं हो पाएगी। सेकंड फेज़ में ये देखा जाएगा कि ये वायरस को कितना इफ़ेक्ट करेगी, कितनी देर में मारेगी, या वायरस को कितनी देर तक रोकेगी, या वायरस कितनी देर में फिर से ह्यूमन बॉडी में अटैक करेगा। और मेरे ख्याल से थर्ड और फाइनल ट्रायल होगा, उसमें हर एक चीज़ को काउंट किया जाएगा, हर एक चीज़ को नोटिस किया जाएगा कि इसने कितने देर में ह्यूमन बॉडी में से कोरोना वायरस को जो है वो ख़त्म किया, इसके क्या इफ़ेक्ट रहे, हमारी बॉडी पे क्या साइड इफ़ेक्ट रहे, और ये किस तरह काम करेगी, हमारी एंटीबॉडी इस वैक्सीन पे किस तरह से रिएक्ट करेगी। वैसे तो ये वायरस अपना असर 14 दिन के अंदर अंदर बता देता है, जैसे कि इन्फेक्टेड व्यक्ति को तेज बुखार, खांसी, जुखाम, सूखी खांसी, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत होती है। अब नई रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी पाया गया है कि इससे इन्फेक्टेड व्यक्ति को
स्मेल और टेस्ट का टेस्ट की सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों में तो ये अपने सिम्टम्स बता देता है, बट जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है उनमें ये 20 से 22 दिनों में अपने लक्षण बताना स्टार्ट करता है। और इसका इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट कहूँगा मैं, वो ये है कि ये जब तक किसी स्वस्थ व्यक्ति में 20 या 22 दिन के अंदर अपना सिम्टम बताता है, उस टाइम तक ये वायरस उस व्यक्ति के थ्रू हजारों व्यक्तियों को इन्फेक्टेड कर चुका होता है। ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। वैसे मैं एक बिल्कुल शांत वातावरण और शुद्ध हवा वाले जंगल में खड़ा हूँ, और शायद आपने मेरी वीडियो में अगर इसमें ध्यान दिया होगा तो आपको कोयल, पक्षी और मोर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये बिल्कुल ही शांत और किसी अलग लेवल वाली जो है, जो अलग लेवल की एक प्योर हवा यहाँ पे है। काश इंसान इस चीज़ को पहले ही समझ गए होते, क्योंकि हम सोच रहे होंगे कि इंसानों का इस वायरस से क्या कनेक्शन है, बट अगर आप बायोलॉजी या इकोलॉजी में, इसे कहा जाता है इकोलॉजी, इकोलॉजी में एक सिंपल सी थ्योरी ये है कि अगर कोई भी नेचर में, चाहे वो पेड़ है, वायरस है, जीव है, जंतु है, पक्षी है, वो अपनी जो एक प्रकृति ने उनकी एक निश्चित संख्या तय की होती है, अगर वो उससे ज़्यादा बढ़ जाएं तो नेचर उसी भी अपने पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी जीव की संख्या को ना बढ़ने देती है ना कम होने देती है। हमारे जो इकोसिस्टम है या पारिस्थिति तंत्र है, इसको सिर्फ एक ही चीज़ धरती पे इफ़ेक्ट कर सकती है, जिसे कहा जाता है इंसान, ह्यूमन। ह्यूमन की संख्या आज तकरीब 2012 की जनसंख्या की गणना के अनुसार 7 अरब से ज़्यादा थी, और इस जनसंख्या के जो विस्फोट को रोकने के लिए इतिहास में समय समय पर नेचर ने कई वायरस फैलाए, जैसे चेचक, सार्स, मर्स, स्पेनिश फ्लू, एशियन फ्लू और प्लेग ने तो सबसे ज़्यादा इंसानी आबादी को जो है नुकसान पहुंचाया था। जैसे कि मुझे एक एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, कोई कमेंट बॉक्स में भी बता सकता है, तकरीब 3 से 5 करोड़ इंसानी आबादी को प्लेग ने मार दिया था। अगर हम इतिहास में देखें तो तकरीब 2000 साल पहले तक चेचक के सिवाय कोई महामारी नहीं थी, पर जैसे जैसे इंसान ने विज्ञान में तरक्की की, मेडिकल और हेल्थ साइंस में बहुत एडवांस लेवल पे जो है वो अपने लिए जो है हेल्थ केयर, मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की की है, हेल्थ सेक्टर में एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, बट इंसान को कभी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि नेचर ने हमें बनाया है, ना कि हमने नेचर को। नेचर हमें किसी ना किसी तरह कंट्रोल में ले ही लेगी, और ये वायरस इस तरह का है कि अगर हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार अगर इसकी वैक्सीन तैयार नहीं की गई तो ये हो सकता है नॉर्मल खांसी, बुखार, जुखाम जैसे नॉर्मल सीजनल फ्लू है, उसी की तरह से ये एक सीजनल बीमारी का रूप ले ले, और इसमें अगर इसने सीजनल बीमारी का जो है रूप ले लिया तो तकरीब इंसानों की 30 से 40% तक की आबादी ख़त्म हो जाएगी, जो कि 2021 या 2022 तक ख़त्म हो जाएगी अगर लॉकडाउन ना रखा गया। पर अगर हमने इसकी वैक्सीन को तैयार भी कर लिया तो कुछ लोगों के अनुसार उनका ये कहना है कि हमें
लगभग पूरी आबादी को इससे वैक्सीन देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक भी इंसान में ये वायरस बच गया तो, और गलती से भी वो इन्फेक्टेड बंदा किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आ गया जिसे वैक्सीन दी गई है, और वो वायरस उस वैक्सीन वाले इंसान में एंटर कर गया, तो ये अपने आप को फिर से म्यूटेंट कर सकता है, और ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिससे कि हमारे जो वैक्सीन हैं तैयार किए हुए वो, और जो भी मेडिकल जो हमने तैयारियां की हैं वो सारी धरी की धरी रह जाएंगी। बट अभी तो मैं ज़्यादा डरने और डराने वाली बातें नहीं करूँगा। मुझे जंगल में अभी मिट्टी में कुछ दिख रहा है, ये एक फ्रूट है जो कि जब मिट्टी की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई हो और बारिश का पानी बिल्कुल साफ़ हो, ये तभी जंगल में उगता है, और इसे हम खाते भी हैं, और ये बहुत मीठा होता है, लगता तो स्ट्रॉबेरी की तरह है बट टेस्ट टेस्ट का अलग होता है। बट मैं इसे अभी खाऊंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई वायरस हो, और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि किसी भी चीज़ को अच्छे से सैनिटाइज करके धो के पका के खाएं, क्योंकि इस टाइम वायरस किसी पशु से, किसी पक्षी से या एयर के थ्रू कैसे भी फैल सकता है, इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आई एम सॉरी, मैंने तोड़ तो दिया ये, बट मैं इसे खाऊंगा ही नहीं। वैसे मैंने अभी वीडियो इसलिए जूम की थी क्योंकि मुझे यहाँ पे एक जंगली मुर्गा दिखा, रेड ब्लैक और कुछ नारंगी से कलर का। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन से, कोरोना वायरस से ह्यूमंस को, इंसानी आबादी को जितना भी खतरा हुआ हो, बट इससे हमारे नेचर को, एनवायरनमेंट को और वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है एक टाइप से। जैसे हमारी ओजोन लेयर है उसका होल कम हो गया है, कार्बन एमिशन लगभग जीरो ही है क्योंकि हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ रुक गई हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ठप है, हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन जो कि मेरे ख्याल से 2% की हिस्सेदारी रखता है पॉल्यूट करने में हमारे एनवायरनमेंट को, वो एकदम ठप पड़ा हुआ है। इससे शिकारी बहुत कम बाहर निकल रहे हैं, लोग कच्चा मांस या जंगली मांस खाने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। तो बात ये है कि इससे नेचर और हमारे एयर की क्वालिटी तो एकदम, तकरीब मैंने सुना है कि 1900 या 1870 के बाद ये पहली बार इतनी सांस जो हम ले रहे हैं, इतनी फ्रेश एयर में ले रहे हैं। इसमें अभी तक जितनी भी हमारी जो पॉपुलेशन है इसने आज तक कभी इतनी फ्रेश एयर में सांस नहीं ली थी। वैसे तो लोग बहुत कुछ कहते हैं कि यूएस और बहुत से देश ये कहते हैं कि ये वायरस चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजिस्ट की लैब से लीक हुआ है। तो चाइना ये कहता है कि उसकी वुहान की जो बैट मीट मार्केट है वहाँ से ये किसी इन्फेक्टेड जीव के थ्रू इंसान में पहुँचा, और कभी चाइना ये कहता है कि यूएस के स्पोर्ट्समैन वहाँ पे खेल खेलने के लिए आए थे, उन्होंने वहाँ चाइना में ये वायरस फैलाया, और WHO के कुछ गलत, स्टार्टिंग में कुछ गलत डिसीजन थे जिनकी वजह से भी ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। जैसे कि WHO ने कहा था कि ये एक छूत की बीमारी नहीं है, ये एक दूसरे से फैलती नहीं है, तो इसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा फैला। और मैं आपको ये बात बता दूं कि चाइना ने जो पेशेंट जीरो होता है, पेशेंट जीरो का मतलब जिसे सबसे पहले मेडिकल रिकॉर्ड्स में इन्फेक्टेड पाया गया हो, उस पेशेंट को खोज लिया है, जिसका वो एक लेडी है जिसका नाम बेई है। और बाकी तो यार
इकोनॉमी लॉकडाउन और बहुत सी ऐसी नई नई चीज़ें सुनने को मिलती हैं, सेल्फ आइसोलेशन, हम आम इंसान को भी आज वैक्सीन के बारे में, एंटीबॉडीज़ के बारे में, हर एक चीज़ के, हमारे इम्यून सिस्टम के काम करने के बारे में पता लग चुका है। बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि हमें जो है ये अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए कि अब क्या होगा, हमें इन्फेक्शन हो गया, जो जो चीज़ होनी है उसे तो कोई रोक नहीं सकता। बस हम लाइफ में अभी एक ही थ्योरी या एक ही बात पे अमल करेंगे कि जब तक जिंदा है मज़े लो, खाते पीते रहो, क्योंकि आप जितना हेल्दी खाना खाओगे उतना ही आपका इम्यून सिस्टम सही रहेगा और आप बीमारियों से उतने ही लड़ पाओगे। और यार इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो तो बहुत शायद लंबी चली गई। और मैं आपको ये एक यार से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मैंने वीडियो बनाई है इसको प्लीज़, पता नहीं कैसी बनी है बट प्लीज़ जैसी भी बनी है इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। और अगर कुछ गलती हो गई हो तो यार उसको कमेंट बॉक्स में बता दें, क्योंकि मैं अगर अब मैं काफ़ी टाइम के लिए फ्री हूँ, तो मैं अब यही नेचर, जंगल के रिलेटेड और वायरस के रिलेटेड और जो भी नेचर वाइल्ड लाइफ हर एक चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाऊंगा और टाइम टाइम पे अपडेट करता रहूँगा। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब से ये वायरस फैला है, लॉकडाउन हो गया है, तो तब से वाइल्ड लाइफ तो बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से फैल रही है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ बताऊँगा कि ये जो जंगल में सुअर होते हैं इनका शिकार शिकारी करते थे, बट अब ये सुअर हैं ये हर एक, इन्होंने जंगल में हर एक जगह मिट्टी खोद रखी है, जहाँ पे भी ये सुअर मिट्टी के नीचे जो नेचुरल जिसे कहते हैं कंदमूल होते हैं उनको उखाड़ने के लिए ये मिट्टी को खोदते हैं। तो इन्होंने जो है ये सारा एरिया ख़त्म कर दिया है खोद खोद के। और इस एक्चुअली फ्रेंड्स अभी मैं इसी इन्हीं बातों के साथ आपको अलविदा कहता हूँ, बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम जितना घर में रहेंगे, अपने आप को आइसोलेट रखेंगे, लोगों से दूरी बना के रखेंगे, उतना ही ये चीज़ हमारे लिए सही है। क्योंकि हमें भी ये पता है कि हमारे देश की आबादी 130 करोड़ से भी ज़्यादा होने वाली है, तो हमारी सरकार इतना लोगों का टेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तक मैंने आंकड़े देखे थे तो शायद हो सक मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट 3 से 5 लाख टेस्ट ही हुए थे। क्यों, और अमेरिका जैसे देशों ने तो टेस्ट के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं, क्योंकि वहाँ की आबादी सिर्फ 30 करोड़ है, इंडिया की आबादी है 130 करोड़ से ज़्यादा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इंडिया हर एक इंसान को पकड़ पकड़ के उसका टेस्ट करे। और मैंने अभी कुछ टाइम पहले BBC की एक न्यूज़ देखी, उसमें कहा जा रहा था कि इंडिया में कोरोना के, जिसमें BBC वालों ने ये कहा था कि अभी कोरोना के और ज़्यादा केस आएंगे और जब ये लॉकडाउन में जो है छूट दी जाएगी तब तो ये एक किसी बॉम्ब ब्लास्ट की तरह ये इन कोरोना वायरस के विक्टम्स की संख्या बढ़ेगी। और बाकी मैं ये कहूँगा यार कुछ दिमाग में हमें बर्डन नहीं लेना चाहिए, जो होना है वो तो होके रहेगा। और इसी के साथ यार ओके बाय, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, से बाय।